हरे कृष्ण सर्वप्रसाद हरे गुरुपाद भस्म आवाज आ रही है। गुरुपाद भस्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमाधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग वंदन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नृसिख्या गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमाधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद विजय प्रभु अन्य एकदम वैष्णव वैष्णव वृंद चरण में यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण ठीक है। हरे कृष्णा। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत, जब से सुखदेव गोस्वामी ये दशम स्कंध को प्रारंभ करते हैं, कैसे उन्होंने एक श्लोक को द्वारा जैसे अगस्त मुनि ने संपूर्ण समुद्र को पार कर लिया था, उन्होंने एक श्लोक को द्वारा उन्होंने पूरी कृष्ण कथा को उन्होंने पार कर लिया। लेकिन पूरा कृष्ण कथा बोल करके उन्होंने बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय और एकदम चुप हो गए। परीक्षित महाराज बोले क्या कथा विश्राम हो गया? बोले हो गया ना, मैं सारी कथा सुना दी। कृष्ण कैसे जन्म हुए, कैसे मथुरा में जन्म हुए, गोकुल में गए, पुतना अगासुर बकासुर त्रिनावर्त और कालियनाग को नथे रास किया, फिर कृष्ण मथुरा में गए कंस को उद्धार किया, फिर द्वारका में गए 16108 पटरानी में से शादी किया, हर पत्नियों से 10-10 बेटे एक जो बेटी हुई, ऋषियों से अभिशाप को ग्रहण किया, प्रभा से क्षेत्र में अपना धाम में चलो तो हो गया। पूरी कथा हो गई, ये तो पूरी कथा हो गई। बोले नहीं है, मैं तो चार चार दिन से टकटकी लगा करके बैठा हुआ हूँ केवल तो कृष्ण कथा सुनने के लिए, आपसे एक श्लोक में ही पूरी कृष्ण कथा को ही दान कर लिया, मेरे को आनंद नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, इसलिए मैं चाहता हूँ विस्तृत रूप में ये कृष्ण कथा को सुना। तब श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित, चार चार दिन ही हो गया, तुमने एक बूंद पानी तक भी नहीं दिया, तो पानी पी लो, फिर पानी पी कर सुस्त हो जाओ, फिर कथा सुनोगे। बोले ये पानी के लिए जितना गड़बड़ी हुआ ना, तो पानी के लिए जितना गड़बड़ी हुआ, इसलिए प्रभु आपकी कथा मृत को पान करते हुए उदाहरण देते हैं, जैसे एक चिड़िया है चातक चिड़िया, जैसे चंद्रमा का किरणों को पान करके वो तृप्त होता है, उसी तरह आपकी मुखार बिंद से आपकी जो कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बह रही है उसको सुन सुन करके मेरे को आनंद तृप्त हो रहा है। इसलिए पानी की बात मत करो, अगर फिर पानी की बात कर देना फिर तो हमें सचमुच से कृष्ण कथा बंद कर दे, कृष्णा लगने लग जाएगी, इसलिए कथा को बंद मत करो। जब उन्होंने बोले तब श्री सुखदेव गोस्वामी तृप्त सुख खुश हो गए, बोले वाह मैं तो यही चाहता था, सचमुच ये कथा सुन रहा है ना, सामने बैठ कर केवल बैठा हुआ है, हैं? इसलिए वो बड़े प्रसन्न होकर के बोले जदोश्च धर्मशीलस्य संशय। हम पहले सुने थे कि जो जदू कौन है, बोले धर्मशील है। क्यों धर्मशील? उन्होंने सारे धर्म को, ये जगत का जितने धर्म को उन्होंने एक तरफ में रख करके उन्होंने अपना पिता को अपना जवानी नहीं दिया, अगर नहीं ये जवानी तो केवल कृष्ण भजन के लिए, हम तो कृष्ण भजन में ही देंगे। अगर आप विषय भोग नहीं करते, अगर आप कृष्ण सेवा के लिए मांगते तो मैं प्रसन्न होकर के दे देता, लेकिन आप मेरी माँ को साथ में विषय भोग करना चाहता हूँ, मैं बेटा हूँ, कैसे अपना जवानी पिता को दे सकता है और मेरी जवानी से माँ को भोग कर, ये धर्म का कोई नीति है, ये अधर्म है, ये संपूर्ण रूप में ये पाप है, इसलिए मैं नहीं दे सकता हूँ। इसलिए इसी में ही भगवान प्रसन्न होकर के हैं, उनको राज्य नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जदुवंश में कृष्ण आए
इसलिए कृष्ण को जदुवंशी कहते हैं। फिर कहते तत्र अंशेन अवतीर्ण विष्णु बीजानी संसन, इसलिए वहां पर कृष्ण कैसे प्रकट हुए बोलो अंश को द्वारा प्रकट हुए, लेकिन पूर्ण रूप में कहां प्रकट हुए बोले गोकुल में है से नंद के लाला बन करके कृष्ण वहीं पर पूर्ण रूप में प्रकट हुए। कहते ये एक कथा है और एक दूसरा अर्थ है, कहते भगवान का जो कथा है पूर्ण रूप में कोई भी कृष्ण कथा को वर्णन नहीं कर सकते। अनंत देव अनंत समय से अनंत कृष्ण कथा को गा रहे हैं, अभी तक भी समाप्त नहीं कर पाए। इसलिए कृष्णदास तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, पक्षी जना आकाश अंत नहीं पाए, जैसे कि चिड़िया है उसका पंख में जितने ताकत है उतना दूर तक तो उड़ सकता है, आकाश की सीमा है उसको भी पार पा सकता है आकाश में, जितने ताकत उड़ जाओ। कहते उसी तरह जो कृष्ण कथा है ऐसे ही कृष्ण कथा अनंत है, इसलिए हर समय हमारी गोस्वामी ने बताए आर पत बरनी बहन व्यास वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं महाप्रभु की कथा, कहते मैं और कितना वर्णना कर सकता हूँ, इसलिए भविष्य में और भी कितने वेदव्यास जन्म ग्रहण करेंगे और ये कथा को वर्णना करेंगे। हाँ उसको बाद में कहते हैं, हाँ उसको बाद वो कहते थे बोले निवृत तस्य रूपगीय मानात भव औषध छत्र मनोधिरामा ताह उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमार विरज्यते बिना पशुनाथ। यहाँ पर कह रहे हैं कहते भगवान की जो कथा है, भगवान की कथा में इतने आनंद इतने रस है, जो संपूर्ण रूप में संसार से निवृत्त कृष्ण हो गए, संपूर्ण ये माया से ऊपर उठ गए। अगर कोई बोले नहीं कथा तो हमले की कथा नहीं, कृष्ण कथा तो मुक्त महापुरुष लोग भी है ये कथा को श्रवण करते हैं, और जो संपूर्ण माया से निकल करके जिसरी सुखदेव गोस्वामी चतुसन जैसे व्यक्ति भी कहते कुर्बन अहित भक्ति इतम भूत गुना है, भगवान की हरि का जो गुण जो कथा है उसमें इतना आनंद है, कहते जो आत्मा में रमण करने वाले जो चतुसन है कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति भी ये कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण कथा के सबसे बड़े श्रोता कौन है बोले कृष्ण को कृष्ण कथा जितना मीठा लगता है ना और किसको इतना मीठा नहीं लगता कृष्ण को। एक समय कोई भक्त कह रहे थे बोले जयपुर जो मंदिर गोविंद देव मंदिर है कहते वहाँ पर हर साल कोई एक साधु हर साल आकर कथा करता था, उन्होंने एक साल बाद में आया, जब आया श्रोता को पूछे भैया ये बताओ मैंने पिछले साल ये कथा को कहाँ पर विश्राम दिया था उसको बाद से मैं फिर प्रारंभ करूँगा, अभी कल हमने किया था या अगर पूछो ना कभी याद नहीं आया है, कल अगर एक साल पहले कहीं कथा सुना कर गए और कथा थोड़ी याद रही सब इधर उधर झांकने लगे तुम्हारी याद है तुम्हारी याद है। जो वक्ता था उसने कहा लगता है यहाँ पे ठीक ठीक से कोई कथा नहीं सुन रहे, इतने में कहते गोविंद देव मंदिर से आवाज आई बोले कथा मैं सुनता हूँ ना गोविंद देव तो कथा मैं सुनता हूँ ना, आपने यहाँ तक कथा सुनी इसको बाद में फिर कथा शुरुआत हुई है। इसलिए सूरदास आप देखे होंगे एक प्रकार तस्वीर है, जब सूरदास जी मैया मोरी में नहीं माधन खाए, जब श्री सूरदास जी कीर्तन कर रहे हैं अब देखना कृष्ण वो बाल गोपाल रूप में वहां पर आकर कृष्ण वहां पर बैठ करके और ऐसे हाथ रख करके कृष्ण अपना भजन को कृष्ण स्वयं सुनते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का रूप में कृष्ण आने का क्या कारण है, ये कारण है ना मेरे प्रेम को राधा रानी कैसे आस्वादन करती है और मेरे क्या माधुरी माँ मेरे अंदर में क्या माधुरी माँ क्या रूप है। इसलिए कृष्ण जब अपना रूप को खुद देखते हैं अपर कलित पूर्वम कष्ट मत कारकर कृष्ण स्वयं पागल हो जाते इतने। इसलिए कहते जो कृष्ण कथा है जो संपूर्ण माया से निकल गए हैं कहते ये सब के सब को ये कृष्ण कथा आनंद देने वाले कृष्ण कथा और कौन, इसलिए इनको कहते ये कथा सबसे पहले किसको मुंह से निकली है हाँ कहते सर्वप्रथम ये ज्ञान भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को दिया है कथा, ब्रह्मा जी नारद नारद व्यास
ऐसे ही ये गुरु परंपरा माध्यम से ये कथा है। इसलिए यहाँ पर विवृत से ही उपग्रमानाथ भव औषध सूत्र मनोविरामात जो कृष्ण कथा है, कहते ये भव रोग का ये सबसे मीठा औषधि ये कृष्ण कथा, इससे मीठा औषधि जगत में कुछ नहीं। इसलिए यहाँ विश्वनाथ शुक्ल ठाकुर कहते हैं, कहते जो कृष्ण कथा है यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं, हम लोग सबके सब रोग भव रोग के ग्रस्त, भव रोग के ग्रस्त हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्य से परीक्षित महाराज कह रहे हैं, आप जैसे हमने वैद्य हमने मिला है, जो वैद्य आप मिले हो, इसलिए आप कृपा करके हमें भगवान की कथा सुनाओ। बल्कि जो कृष्ण कथा कैसे बोले भव औषध छत्र मनोविरामा, क्योंकि ये भव रोग से भव रोग को खंडन करने के लिए ये सबसे बड़ी अच्छी दवा है। तब यहाँ पर कहते दवा अक्सर करके कड़वी होती है, जैसे एलोपैथी है झट खाओ अंदर में सकता लो। कहते क्या कृष्ण कथा ऐसे किया कड़वी है? बोले नहीं, कहते कृष्ण कथा स्वत्व मनोविरामा, कहते मन और ये कान को ये कृष्ण कथा बड़ा आनंद प्रदान करता है ये कृष्ण कथा। हाँ पहले सुन रहे थे ना पृथ्वी महाराज बोले 1000 हमको 10000 विभत्स करना, हमें प्रभु 10000 कान दे दो, ये दो कानों से कथा सुनकर हमें आनंद नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चकुठार कहते हैं, कहते ये जिन लोगों ने ये कृष्ण कथा को श्रवण करके ये भवसागर से पार हो गए, वो लोग स्वयं कहते हैं बोले देखो ये कृष्ण कथा सुनकर ही हम लोग ने ये भव संसार से पार हुए, केवल कृष्ण कथा सुनकर के। इसलिए आप लोग भी अगर ये संसार से पार होना चाहते हो क्या करो, कृष्ण कथा ही सुना। सुखदेव गोस्वामी है किसी राधा रानी की प्रिय सूप है। इसलिए यदि जो कृष्ण कथा है, पहले आप सुन रहे थे ना, जो कथा है जो भक्ति का जो साधन है, कहती ये साधन अवस्था में भी मीठा है और सिद्ध अवस्था में भी ये मीठा है, हैं? साधन अभी भी मीठा, लेकिन जो दूसरा दूसरा जो साधन है वो साधन में कठिन है। हाँ सिद्ध अवस्था में थोड़ी सी कोई मीठा हो सकता है, लेकिन जो कृष्ण कथा ये साधन अभी भी मीठा और ये सिद्ध अवस्था में भी ये मीठा, ये कृष्ण कथा। इसलिए मनोविरामा कत कह उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमार विरजत बिना पशुनाथ, कहते ये कृष्ण कथा से कौन विमुख होता है? कहते जो पशु घाती व्यक्ति वही केवल यह विमुख होते हैं। कहते यहाँ पशु घाती कौन है? हैं? तब यहाँ पर कहते हैं पशु घाती वही है जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम इसको जो बांछा करते हैं, कहते यही असली पशु घाती है। क्योंकि ये जो जीवन मिला हमें ये 84 लाख जन्मों के बाद में हमें ये मानव शरीर मिला, ये जीवन में हम कृष्ण भक्ति रस को पान कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति रस को पान नहीं करके लेकिन ये जड़ लाभ के लिए जगत का जैसे धर्म करे, धर्म करके कैसे अर्थ कमाए, अर्थ कैसे दान दे करके स्वर्ग में कैसे जाए, वहाँ पर कैसे रंभा उर्वस मेनका कैसे वहाँ पर भोग करे, हैं? फिर वहाँ से भोग खत्म होते फिर यही पर आओ। इसलिए कहते पशुघाती वही व्यक्ति है जिनको ये मानव शरीर मिला लेकिन मिल करके भी लेकिन जीवन में भगवान की भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, कृष्ण कथा नहीं सुने और ये तुच्छ कामना वासना में जो डूब गए, कहते वही व्यक्ति ही ये पशुघाती है। तब तो यहाँ पर कहते हैं श्री सुखदेव परीक्षित महाराज कह रहे हैं बोले हे प्रभु हमें ये कृष्ण कथा सुनाओ, क्योंकि जो कृष्ण की कृपा से ही जिस समय ये महाभारत युद्ध हुई, महाभारत युद्ध में ये जो पांडव लोग ये कितने थे, इनके सब पास में 7 अघोणी सैनिक थे और पूर्व अंश में उनके पक्ष में 11 अघोणी सैनिक थे और उनके पक्ष में जो योद्धा लोग थे हैं जिनको इच्छा मृत्यु पितामह को इच्छा मृत्यु बरे और श्री द्रोणाचार्य कहते इनको हाथ में जब तक ये धनुष रहेगा ना जगत में कोई जन्म नहीं लिए इनको कोई मार सकता है, कोई जन्म नहीं है। अगर स्वयं अपना मृत्यु का अगर वर्णन नहीं करे वो करना भी नहीं चाहिए, है दुशासन कृपा की कृपा क्या कृपाचार्य अस्वस्थमा 101 है। इसीलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे
इन लोगों को पार करना इतने आसानी बात नहीं था, इनको परास्त करना, लेकिन केवल कृष्ण कृपा से ही इन लोगों ने मेरे अर्जुन है मेरे जो पिताजी जो पिता थे अर्जुन, केवल कृष्ण कृपा से ही ये जो अथा नदी का समुद्र को कृष्ण कृपा से ही उन्होंने, जैसे गैया का थोर में जितने पानी है उसको जैसे आसानी से हम पार हो जाते हैं, इन्होंने ऐसे ही पार हो गए। बोले किसकी कृपा से पार हो गए हैं, कहते केवल कृष्ण कृपा से ही उन्होंने पार हो गए, नहीं उसको पार होना इतने आसान नहीं था हैं। इसलिए और कृष्ण जिन जिनियों को वध किया, जिन जिनको वध ऊपर से दिखता है उन्होंने वध किया, लेकिन वध नहीं, जो कृष्ण को दर्शन किया हैं, दर्शन करते करते मृत्यु हुई, ये सब के सब भगवत इनकी भगवत प्राप्ति हो गई। कृष्ण किसको मारे नहीं, कृष्ण सबको गति प्रदान किए। ऐसे कृष्ण कथा हमें सुनाओ। तब श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, बोले रोहिणा स्तन प्रोक्ता राम शंकर सनस्वया देव क्या गर्भ संबंध भूत देहांतरम बिना। प्रश्न करते हैं, यदि बड़ा आश्चर्य बात है, आप कहते हो ये बलदेव प्रभु कौन है, यदि ये रोहिणी का बेटा श्री बलदेव प्रभु, फिर आप क्या कहते हो, फिर ये देवकी का भी एक संतान है, एक रूप में रोहिणी की गर्भ में पूर्ण रूप में अंश रूप में देवकी गर्भ में आए हैं, हैं? आप इधर कहते हो रोहिणी बेटा, फिर कहते आप देवकी के बेटा है, कहते एक साथ में ये कैसे बिना देहांतर बिना शरीर छोड़े एक व्यक्ति दोनों का बेटा कैसे बन सकता है, ये भी बड़ा आश्चर्य बात है। इसलिए आप कृपा करके बताओ कृष्णा किस कारण से मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में उन्होंने क्या क्या उन्होंने लीला की है, आप कृपा करके आप इस सारी कथा सुनाओ। कहते कृष्ण कथा कैसे है, बोले वसुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्री पुनाति वक्तारम प्रचकम स्वत्री तत्पाद सलिलम जता। कृष्ण कथा की महिमा कहते हैं, बोले वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषम स्त्री पुनाति। कहते कृष्ण कथा ये तीन व्यक्तियों को कृष्ण कथा पवित्र करती है। कहते उदाहरण किसको किसको उदाहरण कहते हैं, कहते वक्ता श्रोता और जो प्रश्न करता, उदाहरण देते हैं जैसे गंगा, कहते तीन गंगा है, कितना गंगा है, गंगा कितने तीन है, तीन गंगा कहाँ कहाँ, एक गंगा है आकाश गंगा स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, और एक गंगा इसी मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, तीसरा गंगा पाताल में जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा क्या करती हैं, ये तीन लोगों को पवित्र करती हैं, आकाश को भी पवित्र करते हैं स्वर्ग लोगों को, और ये मर्त्य जगत के लोगों को और पाताल लोगों को, ये तीन लोगों को, जैसे ये गंगा तीन लोगों को पवित्र करती हैं, कहते ये कृष्ण कथा भी ये तीन लोगों को पवित्र करती हैं। तो किसको किसको पवित्र करती हैं, कहते पहला नंबर है बक्तारम जो बोलता है उसको भी पवित्र करती है, और प्रेक्षकम जो प्रश्न करता है उसको भी कल्याण करती है, और जो श्रोता है उनको भी कल्याण करता है, ये तीनों को कृष्ण कथा तीनों को ही कल्याण करती है। लेकिन करने पर भी यहाँ पर श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं इसमें श्रोता का डबल लाभ है, लेकिन वक्ता का सिंगल लाभ है, एक लाभ है, वक्ता को जितना लाभ मिलता है श्रोता को है, तो उसमें डबल लाभ श्रोता को मिलता है। इसलिए जिस समय श्री गोकर्ण हरि कथा सुनाए, जब गोकर्ण धुंधुकारी को कथा सुनाए और उनकी कृपा से सबके सब उद्धार हो गए, रथ आया वैकुंठ से सबके सब जब चतुर्भुज धारण करते हुए गए, लेकिन उसी समय में कहते हैं सबके सब तो गए लेकिन विशेष सम्मान किसको की गई, कहते विशेष सम्मान ये गोकर्ण को किया है, बोले कारण किया है, बोले इनकी कथा से ही है, इनकी कथा से ही कहते इतने लोगों को कल्याण हुआ, इतना लोगों को उद्धार हुआ। इसलिए यह विश्वनाथ उठा कहते हैं ये श्रोताओं को जितना फल है वक्ताओं को उसमें डबल फल है। देखो जो कथा सुनते हैं ना बैठ करके,
हो सकता है मन इनको इधर उधर जा सकता है, देखने के लिए तो बैठे हैं, हो सकता है मन और कहीं उस चीज को सोच रहा है, लेकिन जो कथा करते हैं ना उनका मन अगर एक सेकंड के लिए, अगर वक्ता का मन अगर एक सेकंड के लिए जाए ना, आप कथा बोल ही नहीं सकते, एकदम कथा बोल नहीं सकते। तो जो वक्ता है उनको पूरा के पूरा उसमें उसमें तल्लीन होना पड़ता है, तभी कथा सुना सकते, नहीं तो कथा को नहीं सुना सकते। इसलिए विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं श्रोता से जो वक्ता को डबल लाभ, वक्ता को डबल लाभ है। इसलिए कहते जिस समय में कहते यहाँ पर भगवत अवतार का यहाँ पर कारण बता रहे हैं, तो जिस समय में कंस ने बड़े अत्याचार किया है, उसने उग्रसेन को उन्होंने अपना पिता को उन्होंने जेल में उसने अपना पिता को जेल में डाल दिया, क्योंकि कहते जो उग्रसेन का बेटा कौन था, कंस है। कहते ये कंस फिर उग्रसेन तो इतना बड़ा भक्त है, कहते फिर इसका बेटा इतना दुष्ट कैसे हो गया। कारण क्या, बोले कारण है उग्रसेन का पत्नी का क्या नाम थी, कहती पद्मा। बोले शादी को बाद में पद्मा ने वो गई थी अपना पीहर, पीहर जा करके तीन बड़े सुंदर लड़छड़ सुंदर श्रृंगार करके 16 श्रृंगार द्वादश आभरण करके वो घूम रही थी एक सुंदर बगीचा। घूमते समय एक दुर्बल नाम एक दैत्य था, इतने में वो आकाश में जा रहा था, उसने देखा पद्मा को, अभी अभी शादी हुई और बड़े सुंदर एकदम श्रृंगार करते हुए और घूम रही, इतने में उसने क्या किया, उसने झट उसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और आकर के पद्मा से मिली। जब मिली पद्मा ने बोली आप यहाँ कैसे आ गए, बोले मैं रास्ता में जा रहा था और तुमको अकेला यहाँ देख करके आ गए। और उन्होंने दोनों वहीं पर मिले, जब मिले इतने में जब वो दैत्य चला गया, अब इसकी मन में शंका हो गई, क्यों, बोले हर पत्नी अपना पति का हाव भाव सब जानती है, लेकिन उनको कुछ शक हो गया, ये तो मेरे पति जैसे लग नहीं रहा था, हाँ इसको तो और कुछ की कुछ लग रहा था, लेकिन झट उसकी औरत से उसको पेट में बच्चा आ गया, जो बच्चा आ गया ना ये बात उसने किसको बताया नहीं, बता करके वो एकदम जल्दी जल्दी अपना ससुर घर में आ गई। आ गई तो ये बात उसने छुपा दी, उसको बोली नहीं, और ये द्रुमिली दैत्य के औरत से ये जन्म लिया कंस, और इतना दुष्ट बना, इतना दुष्ट, अपना पिता को उन्होंने जेल में डाल दिया, अपना पिताजी को डाल करके बोल दिया खबरदार मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर सकते हो, जो करेगा उसको सबके सब जेल में बंद कर देंगे। इतना अत्याचार उसने करने लग गया, उसी अत्याचार से पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, बड़ी दुखी होकर के ये पृथ्वी ये ब्रह्मा के पास में गई, ब्रह्मा जी शंकर जी को लेकर के और इंद्र को लेकर के उन्होंने क्षीर समुद्र के तट पर जा करके पुरुष सुक्त मंत्र के द्वारा उन्होंने भगवान को उन्होंने पुकार दिया, पुकारे इतने में आकाशवाणी हुई, बोले हे देवताओं, हैं आकाशवाणी किसने की, आकाशवाणी कहते ये उन्होंने आकाशवाणी की, लेकिन ब्रह्मा जी ने दर्शन नहीं कर पाए, केवल ने केवल आकाशवाणी के बोले श्रवण किया, बोले पृथ्वी का दुख कष्ट को मैंने समझ लिया है, इसलिए हे देवताओं तुम सबके सब जा करके जदुवंश में जन्म लो, हे देवियां तुम सबके सब जा करके गोकुल में ये गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो। तब यहाँ विश्वनाथ ठाकुर प्रश्न करते हैं कि देवता लोगों ने ऐसे कौन सा पुण्य किया जो कि जदुवंश में जन्म ग्रहण करे, क्योंकि जितने जदुवंशी ये सबके सब कृष्ण भक्त हैं सबके साथ हैं, कहते उन लोगों ने जन्म नहीं किया, वहाँ पर जो उनका जो नित्य परिकर थे, नित्य परिकर अंदर में तदात्म होकर जन्म ग्रहण किया। बोले ये देवियाँ ऐसे कौन सा पुण्य थी जो कि सबके सब गोपी गृह में जन्म ग्रहण करे, अरे नहीं वहाँ पर जो वामन देव का जो उपेंद्र का जो शक्तियाँ थी, जिन लोगों ने पहले तपस्या की थी गोपी स्वरूप प्राप्त करने के लिए, वो लोग गोपियों के अंदर में ये सबके सब तदात्म होकर के यहाँ पर सबके सब उन्होंने ग्रहण किए, तदात्म होकर के उन्होंने वहां पर ग्रहण किए। जब ग्रहण किए कहते वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर
जनी सती तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिय। इसलिए कहते विष्णु माया भगवती जया सन्मो हित जगत अधिष्ठा प्रभु नाम से न कार्याथे संभविष्यति। तो आकाशवाणी ने बताए बोले विष्णु माया भगवती जया सन्मो हित जगत। कभी जो विष्णु माया कभी जो भगवती ये क्या करती है बोले जया सन्मो हित जगत, जिसको द्वारा उन्होंने ये माया को संपूर्ण रूप में मोहित करके रखती है। कहते माया एक है, जब योग माया रूप में ये क्या करती है, जब कोई जीव भगवत आराधना करती है इसको भगवान के साथ में जोड़ देती है। वही माया जब कोई जीव भगवान से विमुख होती है उसको ये दो शरीर दे करके आवरण आत्मिक और विक्षेप आत्मिक दो शरीर दे करके उसको ये संसार में दुख कष्ट प्रदान करती है। बोले जया सन्मोहित जगत, जिसको द्वारा पूरा जगत उन्होंने मोहित करके ये माया रखा है, एक तो मोहित करके हैं। इसलिए एक समय श्री कृष्ण और सुदामा जा रहे थे, जब गुरु गृह में गए वो जा रहे थे समुद्र में स्नान करने के लिए, जब जा रहे थे इतने में सुदामा प्रश्न करते हैं कृष्ण मैंने सुना है तू तेरे माया के द्वारा पूरा पृथ्वी को नचा रहे और तुम्हारा जो माया बड़ी अद्भुत माया है, तेरे माया को दैवी जैसा गुना भाई मम माया दुरतया है, ये माया को पार करना बड़ा कठिन बड़ा अद्भुत है, दुनिया को तरह माया दिखाओगे। कृष्ण ने कहा ठीक है समय आएगा तो मैं अपना माया को मैं दिखा दूंगा। इतने में कृष्ण सुदामा गए, जब उन्हें पानी में डुबकी लगाई ना इतने में एक लहरी आई ऐसे झपटा मारा कृष्ण का हाथ से सुदामा को पता नहीं कहाँ ले गया, कहाँ उसको ले गया। इतने में सुदामा बहते बहते किसी एक टापू में लगा, जब उसका आँख खोला ना देखा एक सुंदरी राजकुमारी हाथों में फूल की माला लेकर आई और सुदामा जी गले में डाल दिया। बोले आज से आप मेरे पति पत्नी आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, देखो ये राजमहल हमारी। अभी सुदामा बड़े आनंद में रह रहे, उनको बच्चे भी कुछ हुए। एक दिन सुनामी फिर आया, सुनामी आए तो पूरा पूरा डूब दिया, पूरा पूरा है पूरा राजमहल डूब गया और उसका जो बच्चे थे उसको सामने एक एक कर डूब डूब करके मर रहे थे और सुदामा कोशिश कर रहा था बचाने के लिए लेकिन किसी को भी बचा नहीं पा रहा था। लास्ट में एक एक बच्चे जब मरे उसको छाती फट रहा था, लास्ट में पत्नी को भी बचाने के लिए कोशिश किया लेकिन देखते देखते उसको सामने पति भी पत्नी भी डूब डूब कर मर गया। जब मर गया इतने दुखी हुआ पता नहीं फिर कहीं से झपटा आया है, पता नहीं उसको कहां से कहां लेकर चला गया उसको पता ही नहीं पड़ा। फिर क्या पता पड़ा, जो कृष्ण उसका हाथ पकड़ करके जो उस स्नान कर रहे थे इतने में कृष्ण उठे, जब उठे कृष्ण सुदामा दोनों ही उठे। इतने में देखा सुदामा तो हाँप रहा था बड़ा भयभीत था, कृष्ण ने कहा सुदामा तुमने क्या देखा। बोले कन्या मैंने क्या है, हम तो स्नान करने के लिए गुरुकुल से आए थे, ये क्या देखा, मेरी शादी हो गई पत्नी हुई बच्चे हुए और सबके सब कुछ का खत्म हो गया, ये सब क्या मैंने देखा, मैंने क्या देखा। बोले तुम बोल रहा था ना मेरी माया देखने के लिए, इसलिए डुबकी लगाए और डुबकी लगा कर उठाते उठाते उन्होंने शादी हो गया बच्चे भी हो गए और देखते देखते बच्चे भी सब कुछ बच्चे भी खत्म हो गए। इसलिए भगवान कहते ये जिस माया के द्वारा कहते जया सन्मोहित जगत, जिसको द्वारा उन्होंने संपूर्ण जगत को माया के द्वारा उन्होंने पूरा मोहित करके दूसरी माया के द्वारा जी। और स्वामी महाराज ये कथा सुनाते थे कहते कोई एक लड़की बड़ी सुंदर लड़की भजन करने के लिए वृंदावन में आए, बड़ी सुंदर राजघराने की लड़की थी वो वृंदावन में भजन कर रही थी। इतने में कोई राजकुमार ने उसको पर आसक्ति हो गया, राजकुमार ने कहा मेरे साथ शादी करो। उसने कहा मैं तो भजन करने के लिए आई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं थोड़ी शादी करने के लिए आई। वो राजकुमार जोर जबरदस्ती कर रहा है मुझसे शादी करो। इतने में वो लड़की एक साधु के पास गई जा करके बोले ऐसे ऐसे अवस्था है वो जोर जबरदस्ती मेरे से शादी करना चाहता है। तब वो संत ने परामर्श दिया बोले एक काम करियो है एक फल होता है ना जिस फल को खाने से डायरिया हो जाता है, कौन सा फल, इसलिए एक फल जिसको खाने पर डायरिया हो जाता है। बोले तुम एक काम करो उसको बोलना
दो दिन बाद में तुम मेरे पास में आना। तब वो फल को खाए, बोले एक काम करना, जो डायरिया होने पर जो तुम्हारी उल्टी होगी, जो पायखाना पेशाब होगी, एक पतीला में उसको भर कर रखना और उसके कपड़े से ढक कर रखना। अब देखना एक बार अगर पतला पायखाना हो ना सारे सारी जान निकल जाती है। अभी उसमें जितना पायखाना पेशाब हुई उसने एक भगुना में भर भर कर रखी पेशाब को, इतने बदबू मार रहा था। उसको बोलना दो दिन बाद में आए, जब आएगा फिर उसको कपड़ा खोल कर भगुना को दिखा देना। अभी उसको इसे पायखाना, ऐसे पेशाब, ऐसे हुई और उसमें इतने बदबू आ रहा था, भगवना भी भर भर कर रखी। और दो दिन में ना उसका जो इतना सुंदर चेहरा था, हैं, ये शरीर मल मूत्र का भांड है, सबके सब निकल गया है। और उसको आँख एकदम अंदर में चली गई, जैसे पत्नी बनेगी भूतनी है। और पूरा जो गाल इतना सुंदर अंदर में चला गया, और वो तो एकदम भयंकर रूप होगी। जब दो दिन बाद में वो राजकुमार आया और वो ढूंढ रहे राजकुमारी कहाँ पर, सामने खड़ी हुई, उसको पहचान नहीं पा रहा है। तो वो पूछ रहा है वो राजकुमारी कहाँ है, जो इतना जो सुंदरी थी, जो बोल रहे थे दो दिन बाद में आने के लिए। बोले आओ तुमको दिखाता हूँ। वो जो भगुना में टाटी पेशाब भरा हुआ था ना, बदबू आ रहा था, इतने में उसको सामने खोल दिया। जो खोल दिया ऐसे बदबू आ रहा था, खड़ा नहीं हो जाएगा। बोले ये क्या दिखा रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो, राजकुमार तो बड़ी सुंदर थी, ये क्या दिखा रहे हो। बोले मैं वही राजकुमारी हूँ, इसलिए मेरे शरीर में ये टाटी पेशाब खून था ना, इसलिए इतना सुंदर दिख रही थी। अरे वो जब निकल गया मेरा रूप ऐसे हो गया है, यही वही रूप ये है। सचमुच से राजकुमार का वृत्ति वैराग्य आ गया। इसलिए यहाँ पर कहते जन जया सन्मोहित जगत, ये माया क्या करती है, ये आश्चर्य, ये माया है, ये टाटी पेशाब खून थली में ये ममता आसक्ति दिला करके विश्व ब्रह्मांड को, ये माया विश्व ब्रह्मांड को नचा रही है। एक तरफ में ये माया संसार को भी नचा रही है, दूसरे तरफ में ये कृष्ण लीला को, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ये सारे कृष्ण लीला को भी यही पुष्टि करती है। क्योंकि ये माया नहीं होगा ना, योग माया नहीं होगी, कृष्ण का जितने सारे लीला ये सब के सब ये योग माया को गर्भता है। कृष्ण भगवान होते हुए भी इनकी भगवत का जो भुला देना है, भुला देना, अगर कृष्ण हर समय याद रखने में भगवान हूँ, फिर उनका लीला कभी हो ही नहीं सकता। मैया डांट नहीं सकती, शासन नहीं कर सकती, बांध नहीं सकती। इसलिए कहते एक तरफ में ये जड़ माया दुनिया को भी मोहित करके रखे, और दूसरे तरफ में सारे कृष्ण लीला को भी पुष्टि करने वाले यही माया हैं। इसलिए कहते हैं आदिष्ट प्रभुना सेना कार्या थे संभविष्यति, यही कृष्ण की उन्होंने आदेश दिया, तुम कृष्ण की छोटी बहन बन करके गोकुल में जन्म ग्रहण करना। आज हमारे बीच में दो दो महापुरुष है, एक सी विजय महापुरुष और एक संजय महापुरुष, विजय संजय दोनों विग्रहित शब्द से। इसलिए ये लोग भी आपको थोड़ी थोड़ी भगवान की कथा, ये भी आपको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे, आपकी थोड़ा दस वर्ष बोलो कोई बात है, समय की अनलिमिटेड है, जब आप समाप्त करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदानयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभां सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जग गया ना सब, देखो कार्तिक महीने में कितना सौभाग्य है कि कृष्ण की लीला कथा हम सुन रहे हैं। पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के मुखारविंद से कृष्ण लीला का ये उपक्रम है, यानी प्रारंभिक भूमिका स्वरूप ये बात है। ये भागवत के दशम स्कंद में बड़े सुंदर रूप से और बड़े ही भावपूर्ण भाषा में हृदय से
शिवा जी ने ये सब बातें कह रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सौभाग्यशाली व्यक्ति इन बातों को सुनेगा क्या होगा, मन धीरे धीरे जो विषयों में लग रहा था वही मन जो है श्री कृष्ण में जाकर के लग सकता है यदि हमने प्रयास किया। इतनी कथाएं सुनने का और विशेष करके कृष्ण कथा को सुनने का इतना ये प्रयास मेहनत किस लिए, तो ये सारा मेहनत किस लिए, विचारणीय विशेष। रोज हम प्रतिदिन मंगल आरती जग रहे हैं, रोज हम प्रतिदिन घंटा डेढ़ घंटा सुबह कीर्तन, फिर उसके बाद घंटा भर कथा, फिर घंटा डेढ़ घंटा नाम करते हैं, सुबह नींद भी आ जाता है। अब तो फिर ठंड का महीना है तो ज्यादा ही मुश्किल है, यहाँ तो खुला है सारा सब कुछ, है ना, ठंडे पानी में कभी नहा होती है। इतना मेहनत किसके लिए, दस लोगों की बातें सुनो, सहन करो सब चीजें, कुछ गलती हो गई तो डांट देते हैं, है? किस लिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत बड़े एक रसिक है? आचार्य हैं, जिन्होंने भागवत पर चमत्कार पूर्ण रस से परिपूर्ण टीका की। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने भागवत के प्रारंभ में बताया है कि इतना मेहनत हमारा किसके लिए, उन्होंने किया विचार, तो करके उन्होंने बताया है कि केवल और केवल कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए ही इतना सारा मेहनत। जो हमारा मन निरंतर विषयों के विषय रस का ही पान करने में उन्मत्त है, नेत्र जो है सुंदर सुंदर चीजें देखने के लिए ललचता है, कान जो है बढ़िया बढ़िया गाने ये वो बातें सुनने के लिए दौड़ता है, नाक जो है सुंदर सुंदर आज छोले भटूरे बन रहे हैं, पकौड़ी हो रहे हैं, और यहाँ बैठे हैं कि तो मन कहाँ है, और पहुंच गया वहां पर पकौड़ी खाने में लगे हुए हैं, बैठे यहाँ है किंतु खा रहे पकौड़ी। तो इस प्रकार से ये सारे हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय जो हैं ये विषयों में डूबा हुआ, विषयों में डूबा हुआ है ना। तो ये सारा मेहनत इसलिए एक प्रकार की ट्रेनिंग है कि ये विषयों की तरफ दौड़ने वाले इस मन को मोड़ के खींच के कृष्ण की तरफ जाने के लिए ये सारा ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के समय तो दुख दर्द कष्ट होगा क्योंकि नया चीज सीखते हैं, कोई भी नया चीज सीखोगे उसमें तो पेन तो होगा, है ना, किंतु उसका फल जो है, जब उसका फल आएगा निकल करके, जब वैष्णवों के शासन को हमने स्वीकार किया और मन को ट्रेन किया धीरे धीरे धीरे, उसका फल क्या आएगा, अत्यंत सुंदर मिठास फल आएगा। क्या फल, जो मन अब इस तरफ जा रहा था वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो मन को समझाता है कि इन विषयों में क्या रखा है, ये तो हमें केवल दुख ही देता है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नये वसे ना, है आद्यंत बंत कौनते न तेषु रमते उदः। तो वो अपने मन को समझाता है इन विषयों में कोई सुख नहीं, और यदि थोड़ा सा सुख जैसा दिख भी रहा है ये कैसी है, अंतवंत यानी क्षण काल के लिए है, बस है, अस्थाई है, स्थाई नहीं है। फिर क्या करता है, मन को कृष्ण में लगाता है, कैसे लगाता है, श्री नारद ऋषि ने भागवतम में बताया, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयत्। यही हमारे सारे मेहनत का यही सुफल है, क्या, केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयत्। यदि हमने बहुत कुछ किया बाहरी रूप से किंतु मन यदि कृष्ण के चरणों में लुढ़क नहीं गया,
कृष्ण देव भवंतम मन मानस फिर पंकज, इसका मतलब क्या है? मन यदि समर्पित नहीं हुआ कृष्ण के चरणों में, फिर इतने मेहनत का लाभ क्या है? जो इतना हमने परिश्रम किया इसका फल क्या है? भागवतम में वो तभी फिर बताया गया, श्रम ये वही केवल, बहुत मेहनत किया किंतु फल क्या आया? ये फल नहीं मिला, इसलिए सारा मेहनत क्या हो गया? श्रम ये वही केवल। इसलिए मन को लगाना है, कहाँ लगाना है? जो विषयों की तरफ जा रहा था, हमें सब समय दुख दे रहा था, उस मन को खींच के ट्रेन करके कृष्ण की तरफ मोड़ना है, कृष्ण रसपान करना है, नेत्र कृष्ण के रूप देखना है, मन कृष्ण पदारविंदयो, वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, बरीश महाराज जी ने जिस प्रकार से अपने पांचों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अपने मन सबको कृष्ण के चरणों में लगा दिया, लगाने के लिए तो ट्रेनिंग है, ये सब की लगाने के लिए ट्रेनिंग है। तो चक्रवर्ती पाद जी ने समझाया है, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं होगा, यानी कृष्ण के रूप जो सुंदर रूप को हम देख करके तृप्ति प्राप्त करेंगे नहीं, संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक विषयों के प्रति दौड़ेगा। स्वाभाविक, जितना मर्जी रोक लो आप उसको रोक ही नहीं सकते हो। आप कान जो है कृष्ण के वंशी वादन को सुन करके संतुष्ट नहीं होगा तो संसार की सब बातें सुनने के लिए दौड़ेगा। नाक जो है कृष्ण के चरणों में समर्पित तुलसी के मकरंद को सुन करके संतुष्ट नहीं होगा, वो पकौड़ी और चोले के सुगंध से ललचेगा। जिह्वा जो है कृष्ण के मधुर नाम और श्री कृष्ण के सेवा से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक वो क्या है? चुगली और निंदा और विषयों की चर्चा में लगा रहेगा, है ना। तो और ये स्पर्श जो है, जब तक श्री कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के स्पर्श से संतुष्ट नहीं होगा, वो विषयों के एक दूसरे के स्पर्श सुख के लिए दौड़ेगा ही दौड़ेगा, उसको रोक ही नहीं सकते बात। तो इसलिए ये सारा मेहनत, रूप गोस्वामी पाद जी ने भी हमें यही शिक्षा दिया है, यही शिक्षा बार बार दे रहे हैं, क्या? तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। ये नियोज्य शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ये नियोज्य शब्द क्यों प्रयोग किया? नियोज्य माने मन जो है कृष्ण में लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। जैसा एक सुई है, धागा है, आप कहोगे सुई के अंदर धागा, आप बस पकड़े रहो अपने आप चला जाएगा, कोटि जन्म में भी नहीं जाएगा। ठीक वैसे इस मन को यदि विषयों से निकाल के कृष्ण में लगा देंगे, यानी स्वाभाविक चला जाएगा, नहीं जाएगा, मन को करना पड़ेगा ट्रेन। इसलिए वहां पर शब्द है नियोज्य। नियोज्य माने क्या? नियम के साथ मन नहीं लगेगा, नहीं कार्तिक महीना है जगना, नहीं परिक्रमा में जाना है, नहीं वैष्णवों की बात मुझे सुनने में पसंद नहीं है, नहीं सुनना है मुझे, नहीं पसंद है तो भी सुनना है, शासन करने हैं स्वीकार मुझे। यदि इस प्रकार से हम अपने मन को धीरे 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 करेंगे ट्रेन, तब तो श्री गुरु वैष्णव की कृपा से मन जो है श्री कृष्ण के चरणों में जा सकता है। यही जीवन का, इतने सारे मेहनत का, परिश्रम का सुफल है। यदि सब कुछ किया कृष्ण माधुर्य का रसास्वादन नहीं हुआ, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासम कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेदो अदर सुदयो पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियों ने जिस प्रकार से कृष्ण का जो दर्शन किया, जो भागवत का सब शिक्षाओं का सार है, यदि उसमें हमारा मन नहीं लगा तो विषयों से मन कैसे हम निकाल सकते हैं? संभव ही नहीं, कोटि जन्म में भी नहीं हो सकता। तभी सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने बोला, विक्रीडितम ब्रजवद विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रुणुयात
अत वर्णयेद् भक्तिं परां प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगम आशु अपीनोति अचिरेन धीर। ये जो काम रोग है जो विषयों के प्रति भागता है ये कैसे जाएगा? जब तक गोपियों का जो कृष्ण के चरणों में जो सेवा की भावना है, सेवा दृष्टि से कैसे उन्होंने अपना तन मन वचन लज्जा लोक मर्यादा सब कुछ त्याग करके जिस प्रकार से 24 घंटा उनकी कृष्ण की सेवा की, जब तक हमारा चित्त वृत्ति उस सेवा के प्रति लोभान्वित आकृष्ट नहीं होगा, विषयों से मन हम दूर कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के ये विशेष जो विचार है, जब तक हमारा मन इन विचारों के प्रति आकृष्ट नहीं होगा हमारा मन शांत हो ही नहीं सकता। कभी हम यहां भागेंगे, कभी हम वहां भागेंगे, हम 2 घंटा बैठ के एक स्थान पर बैठ के माला भी कर नहीं सकते, संभव नहीं हो, मन हमको बैठने नहीं देगा, रजोगुण का स्वभाव ही ऐसी है ना। तो इसलिए जब तक ये अनुरागमयी भक्ति के प्रति हम आकृष्ट नहीं होंगे, ऐसी भक्ति संबंधित चर्चाएं सुनेंगे नहीं, सब समय विधि नियम में ही लगे रहेंगे, विधि नियम भी नेगेटिव वाला नहीं, सब समय हम ये कहेंगे कि इस प्रकार से नहीं और इस प्रकार से नहीं, अपराध के बारे में सोचते रहो। अपराध के बारे में यदि हम सोचते भी रहेंगे कोटि जन्म में भी अपराध जाएगा। तो गुरुदेव समझाते थे, एक राजा था, वो राजा ने कुछ उसकी समस्या थी, तो वैद्य ने क्या कहा, वो बीमार नहीं था किंतु ये उसको लगता था कि उसको दवाई लेते रहने, तो उसको लगता था कि मैं सब समय बीमार। तो वैद्य ने क्या कहा, वैद्य ने कहा कि इनके लिए जो इलाज है ये वैसा बोलने से तो ये समझेंगे नहीं इन बातों। तो वैद्य ने कहा महाराज जी आपके लिए दवाई है और सब प्रकार की फिर दवाइयां ये आप ले लो। तो राजा ने कहा ठीक है मैं रोज ले लूंगा, 3 बार ले लूंगा, ठीक है। किंतु उसके बाद वैद्य ने समझाया उनको कि ये दवाई ले लीजिए आप, किंतु लेने से पहले एक शर्त है, लेने से पहले कभी भी आप बंदर के बारे में याद न करें। यदि आपने बंदर का स्मरण किया तो ये दवाई आप नहीं ले सकते। ठीक है राजा ने कहा ठीक। फिर उसके बाद वो राजा जो है सुबह के समय में दवाई लेने के लिए प्रयास किया और वो दवाई जब लेने लगा, जो दवाई लेने लगा तुरंत उसके मन में बंदर का स्मरण हो गया। उसने कहा ये क्या हो गया, वैद्य ने मना किया बंदर के लिए, मैं तो सोच के मतलब मैं रखा था कि मैं बंदर को सोचूंगा नहीं, किंतु ये तो दवाई लेने से पहले कुछ बंदर मतलब याद आ गया मेरे मन में, वो मैं दवाई तो ले नहीं सकता, चलो रख दिया। दोपहर के भी जब लेने लगा तब भी फिर बंदर आ गया, रात को भी लेने लगा तब भी फिर बंदर आ गया। ऐसे करते करते बेचारा 3 महीना हो गया, दवाई के पूरी वैसे के वैसे ही है किंतु मतलब वो दवाई ले नहीं सका। जब भी लेने लगता है वो जब अच्छा वो जितना सोचता है कि मैं सोचूंगा नहीं सोचूंगा नहीं सोचूंगा नहीं, उसी चीज का बारंबार सोचने लगता है। यही हमारी मनोदशा है, जिस चीज को मना किया जाए वही चीज हमको बार 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 बड़े जोर से प्रबल रूप से वही चीज हमको जकड़ लेता है। तो इसलिए ये कहने से कि भाई विषय का मत सोचो अपराध का मत सोचो कहने से ही छूट नहीं जाएगा, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं होगी तब तक नेगेटिव चीज नहीं जाएगा। इसीलिए गीता में कृष्ण ने बोला कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक परम दृष्ट्वा नहीं होगी, श्रेष्ठ वस्तु का दर्शन नहीं होगा,
कि निम्न वस्तु जो है, ये नेगेटिव साइड जो है, ये कभी भी जा नहीं सकता। ये कहने से कि भाई इसके बारे में मत सोचो, अपराध के बारे में मत सोचो, कहोगे तो दिन रात उसी के बारे में सोचने के लिए बाध्य है। पैर रखेगा तो हो जाएगा अपराध, खाएगा तो हो गया अपराध, यहां किया तो झूठा हो गया, वहां किया तो वो हो गया। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने भागवत के रासलीला के समापन में ये बात कहा है कि क्रीडितम व्रजबधूर इदं च विष्णु, श्रद्धान्वितो अनुश्रुणुयात् अतः वर्णयेत्। भक्तिं परां प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाशु अपिनोति अचिरेण धीरः। जब तक ये गोपियों की ये कृष्ण के चरणों में जो सेवा की जो भावना है, जब तक इन चीजों का हम निरंतर सुनेंगे, सेवा भावना को हम जब तक ग्रहण करेंगे नहीं, आकृष्ट नहीं होंगे जब तक, और दिन रात ये सुनने के बाद दिन रात इसके इसके स्मरण में रहेंगे, और इसका स्मरण करते करते इसके कीर्तन करते रहेंगे, और हमारा मन जो है निरंतर इन्हीं चीजों में जुड़ा रहेगा, तब तक हृदय रोग जो है जा नहीं सकता। निरंतर इसी की हम चर्चा करते रहेंगे तो मन तो लगेगा, तो मन लगते लगते क्या होगा, भक्तिम पराम प्रतिलभ्य, धीरे धीरे वैसे ही भक्ति सेवा भावना प्राप्त करने के लिए मन लालायित होगा, और जब वो पॉजिटिव साइड में जाएगा, अपने आप ये जो हृदय रोग जो है, काम रोग जो है, नेगेटिव साइड जो है, अपने आप नष्ट होता जाएगा। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य है तो नियोज्य जो रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा, उसका मतलब यह है कि पॉजिटिव साइड में लगाओ, निरंतर कृष्ण के मधुर लीला कथाओं को सुनने के लिए हम प्रयास करें। तभी तभी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी कहा कि वो की बाबा करीते पारे, ना वो वाला नहीं है, ना सुनी राधार नाम, राधा कृष्ण, हाँ, एनो राधा गुणगान, ना सुनी लो मोरकान, वंचित करि लो मुझे विधि, रस कथा जब तक ये सब नहीं होगा तब तक मन लगेगा ना, जब तक मन नहीं लगेगा तो विषय जाएगा नहीं, तब तक संतुष्ट होगा नहीं, तब तक वो मट में टिक नहीं सकता। अल्टीमेटली क्या है, मट में क्यों रहना, जब तक वो श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, उसके लिए हम प्रयासशील नहीं होंगे तो कौन टिकेगा, तो सब संसार में भागेगा, कुछ उसके संसारी शटल लगेगा उसके। इसलिए मन को यदि लगा सके हम तो जीवन सफल, तो हमारा सारा प्रयास मेहनत सब कुछ सफल, किंतु ये मन ही नहीं लगता। सब कुछ लग सकता है, बाहर की क्रियाएं सब हो जाएगा, किंतु ये मन हमारा जो है कृष्ण में लग नहीं सकता। तभी श्री प्रहलाद महाराज जी ने भी बोला, नते विदु स्वार्थ स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिनः, बाहर की चीजों को तो यानी जो जो विषय संसार को तो हम बहुत मानते हैं कि यही हमारा सब कुछ है, किंतु जो भीतर सब समय विराजमान श्री कृष्ण जो है, जो हमारा स्वार्थ स्वरूप है, परमार्थ स्वरूप है, उनको हम मानने के लिए राजी हैं। इसलिए दिन रात हम को करनी है प्रयास, थोड़ा थोड़ा मन लगेगा। आप चाहोगे तो मैं बैठूंगा तो पूरा दिन 24 घंटा मन लगेगा, नहीं हो सकता। धीरे धीरे लगेगा, पहले 5 मिनट लगेगा, फिर 10 मिनट लगेगा, ऐसा लगते 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 24 घंटा लग। तो ये धीरे धीरे लगाने के लिए ही ये सारा सिस्टम है, ये सारा प्रयास है, ये सारा सब कुछ है कि हमारे मन को धीरे धीरे लगाए। कि तो हम यदि शासन को करेंगे नहीं स्वीकार, हम किसी को मानेंगे ही नहीं, हम स्वतंत्र होकर के रहेंगे तो मन कैसे काबू में आएगा। कोटि जन्म में भी ये मन जो है काबू में आ ही नहीं सकता, तो फिर सब कुछ विफल ही, सब कुछ मतलब प्रयोजन रहित।
प्रयोजन ही ठीक नहीं है ना। तो इसलिए गुरु वैष्णवों के चरणों में ही सब कुछ है। जे स्थाने वैष्णवगण से स्थाने वृंदावन से स्थाने आनंद अशेष, इसके भिन्न और कहीं आनंद नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण के जो ये परम सुंदर माधुर्य है, कृष्ण का जो रूप माधुरी, श्री कृष्ण का वेणु माधुरी, श्री कृष्ण का प्रेम माधुरी और कृष्ण के जो विनोदन विनोदकारी जो लीला माधुरियां हैं, ओ जब तक हम इन चीजों को सुनेंगे नहीं और निरंतर सुनेंगे नहीं, निवृत्त तरश महाराज जी जो श्लोक जो कह रहे थे, ये कोई साधारण श्लोक नहीं है, हृदय से निकली हुई उद्गार है। निवृत्त तरशे उपगीयमान बवौषधाश्वत्र वणोविराम क उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमन विरज्जेत ना पशुग्ना। एक और श्लोक भी है, तस्मिन् महन् मुकरितं मधुविश्चरित्र पीयूष अशेष चरित परितस्रवन्ति तान्य पिबन्ति नृपगाढकर्णै तान्न स्मृति त्रिद्वयशोक्तमोह। ये भागवत के विचार है कि कृष्ण के प्रेम में रंजित निरंतर जिनके मुकारविंद से कृष्ण कथा रूपी झरने जो निरंतर पानी बहाती रहती है, उनके मुकारविंद से निरंतर कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी बही जा रही है, जब तक उस कथा को नृप गाढ़ कर नहीं समर्पण भाव से झुक के सेवा भावना से निरंतर उस कथा को हम सुनेंगे नहीं, तब तक विषय की जो पीड़ा है त्रिड़ भय शोक मोहा भूख प्यास भय शोक हमें सताता ही रहेगा। तब तक हम उस चीज से निवृत्त नहीं हो सकते, अर्थात उस अमृत पान में हम डूबेंगे नहीं, तब तक विषय रूपी ये जो पीड़ा है हमको छोड़ करके जाएगा नहीं। तो इसीलिए परीक्षित महाराज जी ने कहा निवृत्त तरशे रूपगीय माना। निवृत्त तरशे माने क्या? निवृत्त तरशे तरशे माने तृष्णा, तृष्णा माने कामना, जिनकी कामना जो है वो निवृत्त यानी छूट गई। इसी चीज को हम रोज सुबह मतलब सुबह सुबह से गुरुवाष्टकम में गाते हैं, संसार दावा। ये दावानल क्या है? क्या है ये दावानल? अग्नि तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, जल भी नहीं रहा है कोई भी चीज, तो फिर चक्रवर्ती जी पाद ने जो ये जलने की जो बात कही है, क्या है ये चीज, कहां जल रहा? तो विचार यदि किया जाए तो निवृत्त तरशेर ये जो तृष्णा से रहित होना यानी कामना से रहित होना, ये कामना होने को ही दावानल कहा जा रहा, ये कामनाएं ही दावानल, और इस कामना रूपी दावानल में हम जले जा रहे हैं, अर्थात कामना कभी समाप्त नहीं हो रहा। दो आ गया तो चार, चार आ गया तो छह, छह आ गया तो दस, ये हो गया तो वो हो गया तो इससे बढ़ के, इसी प्रकार हम घूमे जा रहे। तो इसलिए ये घूमने की, ये संसार का जो भ्रमण है, इस भ्रमण की कभी हमारी समाप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि ये कामनाएं समाप्ति नहीं हो रहा। कभी हम सोचते हैं विदेश भागेंगे तो वहां शांति है, कभी सोचते हैं उससे शादी किया तो हमें शांति है, कभी हमें लगता है पैसा कमाने से शांति है, कभी हमें लगता है ये फोन रखने से शांति है। जिस प्रकार से कामनाओं के पीछे हम भागते हैं, जब तक ये कामनाओं से निवृत्त नहीं होगा तब तक क्या है, दावानल शांत नहीं होगा, तब तक मन जो है शांत नहीं होगा। और ये कामनाएं समाप्त कैसे होंगे? जब तक कृष्ण सेवा की कामना मन में नहीं जगेगी,
ये विषय भोग की कामना जो है तब तक जा नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि निवृत्त तरशैर उपगीयमान, इस प्रकार कामना से रहित यानी मुक्त महापुरुष, जो जिनके भीतर कामना नहीं है वही मुक्त है, और जिनके अंदर कामनाएं हैं विषयों की भोग वासना है तब तक वो मुक्त नहीं है, बद्धावस्था में है। तो इसलिए जो निवृत्त तरशेर माने जो मुक्त महापुरुष है, तो कहते हैं मुक्त महापुरुष भी जिनकी कोई कामना नहीं है वो भी क्या करते हैं, उपगीयमान, निरंतर जो सुनने के बाद जो गुरु वैष्णवों से निरंतर उस कृष्ण कथा का कीर्तन करते रहते। अरे भाई हो गया, टाइम हो गया ना, चलो बहुत नहीं है वो कृष्ण की कथा को क्यों कहता है, तुमको तो कोई कामना ही नहीं, तो जब तुम्हारी कोई कामना नहीं है तो कृष्ण कथा में क्यों लगे हुए हो। तो इसलिए प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने कहा आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंता गुरुक्रमे कुरुवंती हैतु किं भक्ति इत्तम भूत गुणोहरि। अरे कृष्ण का स्वभाव ही ऐसी कि मुक्त महापुरुष भले ही विषयों से हो गए हैं मुक्त, किंतु कृष्ण का माधुर्य इस प्रकार से है कि सनक सनंदन सनातन कुमार जैसे ब्रह्मा जी के मुक्त महापुरुष ब्रह्म और निर्विशेषवादी होने पर भी जब वैकुंठ जब गए द्वारपाल के रूप में जय विजय ने जब रास्ता रोका और स्वयं नारायण वो आकर के माफी मांगा, जब उनके चरणों में झुके प्रणाम करने के लिए तुलसी के मकरंद को जब सूंघा, बस सारा निर्विशेषवाद स्वतंत्रता अहंकार सब मिट गया और कृष्ण के माधुर्य में लुढ़क गए, तब से भक्त बन गए, तब से ज्ञानी नहीं रहे। फिर उसके बाद कृष्ण का माधुर्य ही ऐसा है। तो इसलिए हमारा जीवन यदि कृष्ण माधुर्य को चखने में यदि हम लगा दें, और विशेष करके भागवत जिस पद्धति से चका रहा है, रसमालयम निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुकाद अमृत द्रव संयुतम। अमृत क्या है, ये जो प्रेमामृत है, ये जो कृष्ण के माधुर्य अमृत है, जब तक पिबत भागवत रसमालयम, पिबत माने वर्तमान काल यानी पीते रहो, कब तक पीते रहो, चक्रवर्ती पाद जी ने कहा यहाँ साधनावस्था में भी पीते रहो और सिद्धावस्था में भी पीते रहो, ये नहीं कि साधन कर लिया बस, कि लोगों से पूछो तो लोग कहेंगे अरे भाई मैं ना 10 साल पहले खूब सेवा किया, मैं अब रेस्ट कर रहा हूं, मैंने खूब देख लिया सब। तो यहाँ पर कह रहे नहीं चलेगा, यहाँ निरंतर पिबत माने आप 60 साल के हो जाओ, 100 साल के हो जाओ, दूसरे जन्म के हो जाओ, वहां आप सिद्धावस्था में भी पहुंच जाओ, ये कृष्ण रसास्वाद जो है खत्म नहीं, और जिस दिन खत्म हुआ फिर ये विषय में डूबना। ठीक है, अब इसके आगे गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण बंद कर दिया। देखो अभी हम सुन रहे थे ना जया सन मोहित माया, माया क्या करती है, इधर जड़ जगत को भी मोहित करते हैं और कृष्ण को भी मोहित करते हैं, इसको तो भी सुन लेते हैं। कृष्ण जब मिट्टी खाए इतने में सखाव ने जाकर मैया से शिकायत कर दी, बोले मैया लाला ने आज मिट्टी खाई, मैया तो भागते भागते डंडे लेकर के आए और सीधा कान को पकड़ी, और कहीं नहीं कहाँ पकड़ी, सीधा कान को पकड़ी, बोले अपवित्र है तुमने मिट्टी खाई, हम कहते ना नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो पिबा जस परे प्रतिक्षबाया वेद्र सुजी, जिसका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाती, मैया क्या कहते तू अपवित्र तुमने मिट्टी खाई। कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दिए, बोले मैया मैंने ना अहम भक्षित वानो हो सर्व मिथ्या विसंसिनम, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सखा लोग जो कहते हैं, बोले मैया तू तो बड़ी भोरी भारी हो, ये सखाने की बात में जल्दी आ जाती, और मेरे को तो कोई विश्वास नहीं करी,
ये विश्वास तेरे सखा को करे भाई, आज कहा भैया तेरे को पता है बोले कहा भैया, बोले ये सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ सब चोरी चोरी करके लाते, अरे भैया तेरे को पता है मैं चोरी का चीज कभी खाता ही, बोले भैया बोले अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता है, चोरी का चीज तू खाता नहीं इतने में, और मैंने खाया नहीं, सबके सब खाए घर में चोरी करके लाए थे, इनको तो पता चल गया मैंने खाया नहीं घर में जरूरी है नालिश कर देगा, तू खुद खाया नहीं, इसलिए मैं शिकायत करने से पहले ही मेरे नाम पर शिकायत कर दी। लेकिन हर माता है अपना बच्चों का करतू तो हर माताओं को पता है, मेरा बेटा भी इसे पता, इतने में बोले दाऊ भैया क्या झूठ बोला, बोले भैया आज पता नहीं सवेरे उठ कर किसका मैंने मुंह देख लिया, आज सब मेरे उल्टा, ये भी इन्हीं तो पक्ष में हो गए, भैया दाऊ देखने में तो ऊपर गोरे लगते हैं लेकिन अंदर बड़े कारो है ये, और मैं ऊपर में तो काला हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरे हूँ, मतलब क्या है कभी ये ऊपर में गोरे काले मतलब क्या है कभी ये मेरे को चिंतन करते, इसलिए ब्रज में जितने सार देखो ना सब बड़े वो काले काले कृष्ण चिंतन करते करते, लेकिन ऊपर में तो काला हूँ लेकिन गोरे मतलब अंदर में से राधा रानी को मैं चिंतन करता हूँ इसलिए मैं गोरे हूँ। इतने में मैया को तो बड़ा क्रोध आई, इतने में कृष्ण ने सोचा अगर मैं बोल दूं अगर मिट्टी खाया तो मुंह से तो मिट्टी खाया तो मुंह खोल कर देख ले फिर हो सकता है मैया मान जाएगी, लेकिन मैया थोड़ी मानने वाली, माँ को पता ही बड़ा दुष्ट है, इतने में मैया तो एक धमकी दिखाई ले मुंह खोल, जब उन्होंने इतने जोर से बोली ना डर से तो कृष्ण का जट मुंह खोल गया, देखो ये जो मैया किया काम करती है, जब मुंह खोल गया कृष्ण की किया इच्छा है मैया मेरे को मारे नहीं, मुंह में मिट्टी है और हाथ में डंडा है, अगर देख लिया मुंह में मिट्टी है ना फिर डंडा हाथ ऊपर रखा हुआ फिर तो एक नीचे नहीं पीठ ऊपर गिरेगा, लेकिन कृष्ण की किया इच्छा मेरे को मैया मारे नहीं, देखो यह जो मैया किसी काम करती है, इसलिए कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जो माया झट अपना प्रभाव को विस्तार कर दिया, उन्होंने क्या विस्तार किया उनके छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया, जब अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया इतने में मैया बोले हे भगवान मैं क्या अलाई वलाई देख रही हूँ, मेरे लाला को कोई भूत तो नहीं लग रहा है, नहीं तो मेरे लाला तो भगवान नहीं, मैया खुद को खुद देख रहे मेरे लाला में कोई तो भूत नहीं तो ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक तो नहीं मेरे लाला, इतने में कृष्ण डर गए बोले गड़बड़ी हो गया विश्व रूप तो दिखा दिया लेकिन गड़बड़ी क्या गड़बड़ी, अगर मैया को पता चले मैं भगवान हूँ, घर में जैसे नारायण के लिए छोटी सी मंदिर बनाई और लड्डू भोग लगा करके घंटा हिला करके तो मैं वो माता च पिता तो मैं वो तुम्हें वो बंधु सखा तो मैं वो करके क्या करती दरवाजा बंद कर देती है, अगर पता चला मेरे भगवान ना फिर तो बंद कर देगा मेरे घर में बंद कर देगा छोटी सी मंदिर में फिर खेल कूद नहीं कर पाऊंगा, कृष्ण देखो गड़बड़ी हो गया, इतने में कृष्ण इच्छा करते ही जो माया ने देखा गड़बड़ी हो गया, क्यों विराट को तो दिखा दिया लेकिन कृष्ण के ऊपर में विपत्ति आ जाएगी, कृष्ण सोच रहे मेरे को बंद नहीं करते, जब इतना सोचा झट जोग माया ने किया कि सारी लीला को अंदर ध्यान दे, इसलिए इनकी इच्छा शक्ति जोग माया एक साथ में ये विभुता और सर्वज्ञता ये सब कुछ एक साथ में प्रकट करती है, इसलिए जिसको द्वारा कृष्ण सारे लीलाओं को करते हैं। गौर ब्रह्मानंद।